तो हाउ ओल्ड वर यू जब आपने वो किया था ड्रामा निभा या जब पहला किया था दलदल? दलदल मैंने किया था व्हेन आई वाज आई लाइक आई गेस 50। ओके, और आजकल क्या कर रहे हैं आप, कहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग कहाँ की है ये बताएं। मैं बेसिकली प्राइवेट पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ, और मुझे, मैं जो शौकीन हूँ ऑटोमोबाइल का शौकीन हूँ। ओके। जो शौक ऑटोमोबाइल का है, तो मेरा भी ये है कि इंशाल्लाह यहाँ से करने के बाद हो सकता है चले जाएं कहीं बाहर शहर चले जाएंगे, इसी डायरेक्शन में कुछ पढ़ेंगे। हाँ। आगे कुछ इंजीनियरिंग, कुछ रीडिजाइनिंग। हाँ। गाड़ियों का कुछ ऐसा कुछ होगा। हाँ, ऐसा ही है मेरे। हाँ। अंदर वो असल में हमारा ना बहुत पुराना मसला है गाड़ियों वाला, बाइक। अच्छा। वाला इस तरह के ना। हाँ। फ्रेंड्स वगैरह उनका क्या रिएक्शन होता है, अब तो आप इतने जाने पहचाने, वो कैसे कुछ ट्रीट करते हैं, वो घर की मुर्गी दाल बराबर? नहीं 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 नहीं, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर तो हर जगह ही होता है। हाँ। लेकिन खैर, जब बाहर जाते तो मेरे इतने अच्छे मेरे साथ देते हैं कि मतलब लाइक अगर कोई आ जाए ना कि और ये वो सेल्फी। हाँ। ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली बात है। अब वो जब झुमकट्टा लगता है ना मेरे बराबर में। हाँ। तो वो बाउंसर्स बन जाते हैं। अच्छा, हटो भाई, हटो 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 हटो, हमारा दोस्त आ रहा है सेल्फी लेने, लाइन में खड़े हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे दोस्त तो नहीं यार, पीछे जाए यार सर, सर के पास टाइम नहीं है सर, पीछे बस पीछे पीछे। वो छह सात ना रिंग बना के मुझे ना गाड़ी में आते हैं, कहते हैं यार आदि दाल खिलाए, दाल खा ले, चल दाल खाने चलते। यार ये क्या मस्तमीजी है। तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर वो हिसाब होता है, लेकिन बाहर में गाड़ी में बैठे साथ ही कहते हैं यार आदि वो। मैं बेसिकली, मेरा जो जितनी भी गैदरिंग है ना वो सब इस्लामाबाद की, बेसिकली हम इस्लामाबाद से हैं। okay. तो मेरे दोस्त यार जितने भी मेरे करीबी दोस्त हैं वो सब इस्लामाबाद में हैं। तो कराची आप लोग टेम्पररी हैं या शिफ्ट हो गए? कराची हम शिफ्ट तो हुए हुए हैं, बट यहाँ पे काम के सिलसिले में, जब यहाँ काम नहीं होता तो हम वापस चले जाते हैं, काम करने वापस आ जाते हैं। हमें इधर से भी मोहब्बत है, वहाँ से भी मोहब्बत है। वो दोस्त सारे आपके वहीं? मेरे दोस्त सारे वहीं पे, मेरी बर्थ प्लेस भी इस्लामाबाद की है ना। तो स्कूल लाइफ के दोस्त मेरे हैं, उसके बाद दूसरे दोस्त मेरे, मतलब सारे दोस्त ही वहीं पे हैं। बट डू यू मिस आवर प्राइवेट जो पढ़ रहे हो, स्कूल का एक माहौल होता है, दोस्त होते हैं, एक वो शरारतें, गेम्स, स्पोर्ट्स और पूरा एक माहौल, डू यू मिस इट? या आई डू, बिकॉज के आप जब स्कूल में होते हैं आपके दोस्त होते हैं, आपकी पूरी गैदरिंग्स होती हैं। लेकिन अब मसला ये, प्राइवेट करना भी मजबूरी है, शूट्स हैं, ठीक है, उसके बाद अपना एक काम, अपना काम भी है। तो अब उस चक्कर के अंदर ना आप कंफ्यूज हो जाते हो, वो आप उस चीज़ को टाइम नहीं दे पाते हो। मतलब अगर मैं कॉलेज ज्वाइन भी कर लूँ तो वो उसको उस हिसाब से टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो यही है कि प्राइवेट स्टडीज़ करता हूँ, एग्जामिनेशन में जाके एग्जाम दे के आ जाता हूँ। चलो दैट्स गुड। एक बात बताएं आदि, आप चाइल्ड आर्टिस्ट भी थे, फिर अब यंग आर्टिस्ट मैं आपको बोलूँगी, तो ये जो चाइल्ड आर्टिस्ट यंग आर्टिस्ट की जो कैटेगरी होती है थोड़ी सी, उसको सीरियस लिया जाता है सेट पे? अटेंशन, मतलब कुछ अटेंशन दी जाती है या बस होते हैं अच्छा यार छोटा सा रोल है इसका, चलो ये करो वो करो, छोटा बच्चा है, कैसे डील करते हैं? नहीं देखें, इस पे तो मैं यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हाउसेस को भी एक चीज़ इस चीज़ में बताता चलूँगा कि आर्टिस्ट आपका अगर सपोर्टिंग कास्ट भी है तो रिस्पेक्ट उसकी भी है। ओके। बिकॉज के यहाँ पे मैंने बहुत सारे नाम नहीं लूँगा, मैंने देखा है अपनी आँखों से कि चले, मैं भी यकीन करें मैं भी एक एक्स्ट्राज वाली लाइन से गुजरता हुआ ही आगे आया हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं बचपन में चले पैंपर्स का लीड किया है ना, उसके बाद तो क्या पता लोगों के, उस टाइम जब पैंपर्स गया था तब तो यूट्यूब भी नहीं था पाकिस्तान के अंदर, सही बात है, तो किसको क्या पता है ये कौन है। ठीक है, तो अब मैं जब ग्रोन अप हुआ तो वो ऑब्वियसली बात है सपोर्टिंग में मैंने भी काम किया है, काम किया, तो मुझे वो एक लेवल पता है कि एक अब जिस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ माशाल्लाह से, उस लेवल को, एक सपोर्टिंग लेवल का मुझे अंदाज़ा है कि भाई एक एसी में रहने वाला एक्टर की क्या जिंदगी है, विदाउट एसी में रहने वाले एक्टर की क्या जिंदगी है। आप गुजर चुके हो उस स्ट्रगल से? मैं उस चीज से गुजर चुका हूँ। हाँ, तो मैं सीरियसली मुझे फील होता है इस चीज का कि यार नहीं ये ज्यादती हो रही है, मतलब होता है ऐसा, होता है। लेकिन आई वुड से कि यार रिस्पेक्ट ऑल द एक्टर्स, वो जूनियर हों या बड़े हों। ओके, और भाई कैसे हैं आप, कंट्रोलिंग, फ्रेंडली? बाय द वे जिनको नहीं पता, जो हमारे सुनो चंदा के स्टार हैं समी, ये उनके बड़े भाई हैं। तो मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली, मैंने कहा अरे यार ये दोनों भाई हैं, अच्छा तो किस किस्म के भाई, रोब वोब जमाते हैं आप के वही छोटा ये काम करो, मेरा ये पानी लाके दो मुझे, ये नहीं, बेसिकली वो मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, लग रहा था मुझे अंदाजा। हाँ, वैसे मुझे लग रहा था वो मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। तो रोब वो जमाते हैं, हम छोटे हैं, हम उनसे छोटे हैं। अच्छा, लेकिन शुरू में जब सुनो चंदा बहुत हिट जा रहा होगा, क्या बोलता था आपको समी, आके चढ़ाता फिराता था कि मैं यार मैं तो स्टार बन गया हूँ भाई, अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ऐसा चक्कर चल रहा होता था भाइयों में? नहीं नहीं, वो तो अभी भी है, वो तो अभी भी है। अच्छा, चुपके चुपके जब मेरा ऑन एयर हुआ तो ही वॉज लाइक हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। मैंने कहा समी देख यार, काउंट रीच तो चेक कर, माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा जब उसका सुनो चंदा ऑन एयर हुआ हुआ था ना, तो वहां पे ना जब वो सेट से आता था ना, यार ये चेक कर यार, 2 लाख फॉलोवर्स हो गए मेरे, 2 लाख यार, अच्छा ठीक है भाई है वो, यार मैं शूट से वापस आया हूँ, पानी पिला दो यार सर ओके ताबेदार, मैं चला गया। अच्छा तो वो इस टाइप का हिसाब था उसका ना मेरा। अब मैं जब उस चुपके चुपके साथ कंपेयर होता हूँ ना, उसने ना ऐसी अपने तरफ से ना, बेसिकली मैं एक और चीज़ आप सब फैंस को बताता चलूँ, चुपके चुपके की और सुनो चंदा की फैन बेस अलग है। हाँ। इन दोनों ड्रामा का कंपैरिजन नहीं है, हम कंपैरिजन नहीं करते बिल्कुल। तो समी साहब ने क्या किया कि चुपके चुपके पोलिंग होती है ना इंस्टाग्राम पे, चुपके चुपके और सुनो चंदा की पोलिंग कर दी। अब 53% चुपके चुपके था, बाकी का 45-48% सुनो चंदा था। समय साहब ने एंड ऑफ द रिजल्ट देखा ना, तो मैं साथ ही लेटा हुआ था, मैंने यूं नजर मारी, यूं करता है, यूं क्या हुआ, कौन जीता? कुछ नहीं, स्टोरी डिलीट कर रहा हूं मैं। I cannot imagine आदि के इस वक्त आपका ना क्या होगा, आप कितना उसमें ना होंगे, हाथ ऊपर आपका है और आप कितना वो करोगे, बच्चा मेरा टाइम है। नहीं माशाल्लाह उसने भी, मैं उसको एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि समी को मैं ना ड्रामा में अपना सीनियर मानता हूँ। Seriously? हाँ, वो मुझसे सीनियर है ड्रामास में, कमर्शियल में मैं उससे सीनियर हूँ, आया तो मैं ही उस दुनिया में सबसे पहले, लेकिन ड्रामो में वो सीनियर है। बट वैसे क्या होता है अदर देन दिस ऑन अ सीरियस लेवल, भाइयों में लड़ाई होती है या आप थोड़ा उसको गाइड करते हैं, या अभी वो एज है जब अभी सिर्फ वो चल ही रहा होता है, WWE चल रही होती है, चल रही होती है, ओके ओके, और वो नहीं होता मिलके गेम्स खेलना और सब कुछ, या वो भी नहीं है उसका, बिल्कुल अलग-अलग ग्रुप है, आपका अपना अलग-अलग सर्कल है, एज ग्रुप की वजह से। एज ग्रुप की वजह से मेरा बेसिकली ये सीन है कि मैं काम की वजह से ना मैं गैदरिंग में नहीं हूँ, मैं किसी भी टाइप की गैदरिंग में नहीं। मैंने आपको जैसे बताया मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इस्लामाबाद से हैं, तो मैं उनके पास जाता हूँ 6-6 महीने बाद, साल बाद जाकर उनसे मिलता हूँ, वो भी हार्डली 1-2 हफ्ते के लिए बस। डोंट यू मिस इट? आई डू मिस इट, बट काम भी तो है ना, काम भी तो करना है यहाँ पे। और मेरा ये सीन है कि मैं अगर जैसे शूट पे ना रहा हूँ ना, 3 दिन में शूट पर रहा हूँ, मुझे कोफ होती है घर में, यार शूट क्यों नहीं आ रही, शूट क्यों नहीं आ रही, शूट क्यों नहीं आ रही, काम पे चलो, काम पे चलो, तो मेरा वो हिसाब होता है। ओके डीएम में लड़कियों के कितने मैसेजेज आ रहे हैं, सच सच बताना पड़ेगा, अम्मा नहीं है यहाँ, अम्मा गई, अब बताओ कितने प्रपोजल्स आ चुके हैं, कितनी तुम्हें क्या, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था जानने का। प्रपोजल्स तो नहीं आए, लेकिन खैर जो उसकी तादाद थी ना इंस्टाग्राम पे, जो इनसाइट्स में मेल एंड फीमेल्स की तादाद होती है, वो बहुत बढ़ गई है, 70-30 होगी। नहीं वो 70-30 नहीं, 69% वो है अपना वुमेन्स है, तो सही बोला ना, 70 उसके बाद, नहीं 0.9 एक कम था, बिल्कुल सही थी मैं, आधी बिल्कुल सही थी मैं, करीब। अच्छा बताओ सबसे मजे का क्या मैसेज अभी तक पढ़ा तुमने डीएम में जो किसी लड़की की तरफ से आया हो? ये मुझे ना बड़ा मजा आता है ऐसे मसाले वाली बातें, आई वांट कद्दू लाइक दिस। कौन है भाई ये इतनी क्यूट, कौन है जिनको कद्दू चाहिए? बस है नाम, मेरा नाम नहीं याद, नहीं नाम हम पूछ भी नहीं रहे, हम लिशियस करके वो आपको पता ना, फैन पेज टाइप, नहीं नाम नहीं हम पूछ रहे, हम वैसे इधर तक रखेंगे। अच्छा कोई फैन रिएक्शन हुआ है अब जब आपकी शक्ल पहचानी जाती है माशाल्लाह से? मसला एक चीज का आया हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से कहीं बाहर ही नहीं जाया जाता, ये भी नहीं एंजॉय कर पाते, और जहाँ जाते हैं मास्क में जाते हैं, जो पहचानने वाले तो आंखों से पहचान जाते हैं, अरे यार ये वही है, आपकी आवाज से भी तो पहचान रहे होंगे मुझे लगता है, आवाज से पहचान लेते हैं, लेकिन अब ज्यादातर लोग नहीं पहचान पाते क्योंकि उसके अंदर मेरी आवाज चुपके चुपके में तो कॉमेडी जरा लाउड कॉमेडी की है ना, तो उसमें आवाज की एक वो बेस नहीं बन सकी, वो फटा हुआ गला ही आया है उसके अंदर मेरा। कोई भी अभी तक ऐसा उससे पहले लॉकडाउन से पहले भी कभी कोई फैन रिएक्शन हुआ है जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? फैन रिएक्शन में आपको एक क्या बताऊँ, आपको इतने सारे हैं फैन रिएक्शन में ना, एक दफ़ा हम नारायण का गान में थे, तो हम बाय रोड ही ट्रैवल करते हैं हम लोग ना सारे, मतलब फैमिली जो है ना, हम बायर वगैरह हम कहते हैं यार बायर जाना है, मुल्क से बाहर जाएंगे वरना मुल्क के अंदर गाड़ी पे जाओ, मज़ा आता है आपको। ठीक है हम ना नारायण का गान में थे, तो वहाँ पे वो लैंडस्लाइडिंग वैसे ना कुछ ट्रैफिक ब्लॉक हुआ हुआ था, अब जब ट्रैफिक ब्लॉक था तो मैं ऐसी ना गाड़ी से नीचे उतरा हूँ, मेरा उस टाइम पे माशाल्लाह से निभा, कैफे बहारा और अगर तुम साथ हो, ठीक है, तीन ड्रामे एट अ टाइम चल रहे थे, और लम्हे की जो थी वो एयरिंग डेट सून थी, आने वाली थी एयरिंग, होने वाला था वो, ये तीन ड्रामे मेरे थे, तो अच्छा इनमें था मैं नेगेटिव, ठीक है। अब ना ये जब मैं गाड़ी से उतरा हूँ ना, तो
तो वहाँ ना दो बसेस खड़ी हुई, जैसे पूरी फैमिली बस बुक करा के नहीं निकल जाती, वो फैमिली ना एक पूरी ना पिछली फैमिली पिछली बस में फीमेल्स थी, अगली अगली वाली बस में ना मेल्स थे। आप यकीन करें लड़के जो मेरी एज ग्रुप की खिड़कियों से छलांगे मार के बाहर आए हैं और मैंने दो कदम पीछे लिए और मेरे पीछे खाई थी, मैंने कहा भाई मैं आगे आ जाता हूँ मुझे पीछे मत करना वरना सिर्फ ड्रामों में ही देखते रह जाओगे।